ओके, तो हमको अंकल के दोस्तों के द्वारा बहुत ज्यादा दौड़ाया गया, भगाया गया और बहुत पेला गया, पर आज हम लोग बदला लेने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज के एपिसोड में फाइनली हम लोग हराने वाले हैं अंकल को। एंड भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो फिर चलो इस गेम को सीधा शुरू करते हैं, ज्यादा इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास क्या क्या सामान है, मुंडी तोड़ने के लिए भाई मैं ये रखूंगा, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम ऊपर जाके वो गेट खोल दिया था। अंकल यहाँ पे तो नहीं है, अंकल यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है ठीक है, नाइस। बट यहाँ पे शोरों का शेड मैं भूल गया था। ओके, जंप कर लिया सही टाइम पे। ये वाला जो, एक सेकंड, ये वाला गेट नहीं खोला था हम लोगों ने? ओके, फिर हम लोगों ने आगे वाला गेट खोला होगा, राइट। ये वाला गेट हम लोगों ने खोल दिया है। यहाँ पे मेरे पास, एक सेकंड, पहले इसको बंद कर देता हूँ मैं आगे खड़ा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे क्या क्या है? एक तो यहाँ पे आते ही शोर होगा। मेरे पास छुपने के लिए जगह है, ठीक है, मैं यहाँ पे छुप सकता हूँ। एटलीस्ट मेरे पास छुपने के लिए थोड़ी सी जगह है। और इधर भी कुछ तो है। ओ, ये ऐसे खुल जाएगा, इस पर कोई लॉक नहीं है, नाइस। और ये क्या निकला? रेंच निकला है, और मेरे को रेंच का काम पता है। अंकल टेल मी यू आर नॉट हियर। यहाँ पे से रेंच से, अरे खुल जा भाई, आराम से खुल जा, खुल जा, शोर नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे से मेरे को क्या सामान मिलेगा? बट यहाँ पे कुछ भी छुपने की जगह नहीं है। ये क्या है? ये एक बुक मिली है। ओ, दूसरा वाले कमरे में एक बुक शेल्फ था, राइट, तो फिर शायद से उधर लगेगी। और आई डोंट थिंक इधर और कुछ होगा। मेरे ख्याल से इस वाले कमरे में सिर्फ इसी चीज के लिए भेजा था। और यहाँ पे पानी में चलाऊंगा तो यहाँ पे सिर्फ धुआं धुआं हो जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला, फॉग होगा बहुत ज्यादा। और अंकल नहीं है, यहाँ पे नहीं आ रहे, ठीक है। कहीं पे बुक की जगह खाली है, मेरे को नहीं दिख रही। कहीं पे तो होगी, आई मीन कहीं ना कहीं पे पक्का है। मेरे को थोड़ा शोर करना पड़ेगा। यहाँ पे तो कहीं, ओ यहाँ पे एक बुक है भाई, लग गई लग गई लग गई। अब मेरे को आई गेस थोड़ा छुप जाना चाहिए। पहले मैं यहाँ पे देखूंगा, इफ अंकल आएंगे तो मैं तो ही छुपूंगा। यार अंकल इतनी देर से आए नहीं, मेरे को डाउट हो रहा है। यहाँ पे, ओ अंकल सोए पड़े हैं। मैंने क्यों किया ये, मेरे को नहीं पता भाई मैंने क्यों किया। मैंने बस बेफालतू में किया है, ठीक है। यहां से निकलते हैं हम लोग। यार मैं ना अच्छा खासा काफी ज्यादा लेवल पार कर सकता था, ओनली इफ मैं ये चीज ना करता। पर ठीक है यार, जब तक अंकल पीछा नहीं करते ना, तब तक मजा नहीं आता है, ठीक है। अंकल आएगा इस तरफ आएंगे, इतने में यहां से जल्दी से ऊपर पार हो जाऊंगा। पर अंकल है बहुत ज्यादा चालाक, तो फिर हो सकता है कि अंकल इधर ही रुक जाए। अंकल की चालाकी भाई मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, ठीक है, मुझसे नहीं छुपी अंकल की चालाकी। इधर से भागो, ठीक है। हमारा, शिट शिट शिट, ओ बचे, हमारा ऊपर सामान है। मेरे को एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने उस वाले बुक के ऊपर फ्लावर देखा था। मेरे को एक चीज कंफर्म करनी है, ठीक है। इसके ऊपर ये क्या था, इसके पीछे ये फ्लावर था, ये जो भी था। इधर ये एक और है, एक और बुक है क्या? हाँ, और मैं यहाँ पे पकड़ा गया। बट मैं एक चीज कंफर्म मेरे को हो चुकी है, याद है तुम लोगों को टीवी पे हम लोगों को कुछ सिंबल्स दिखे थे? मेरे को एक बार जाके जरा सिंबल्स का मैं क्या चिंबल्स क्यों बोलूं, सिंबल्स का मेरे को ऑर्डर पता करना है, एक बार जाके दोबारा से कंफर्म करना है, और फिर हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। मैं समझ गया इसका क्या काम होगा। अंकल आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं। तो फिर मेरे को यहाँ से इधर छुप, यार ये पता है एक बार ऊपर चढ़ गया था, उस बारी के बाद से मैंने कई बार ट्राई कर लिया, बट मैं ऊपर नहीं चढ़ा पाया इसको, और मैं यहाँ से नीचे गिर गया। नाइस नाइस, बहुत ज्यादा सही। अंकल इस तरफ तो नहीं आ रहे? नहीं, तो फिर यहां से हम लोग चलेंगे इधर। ये वाली सेफ जगह है, पता नहीं क्यों फॉर सम वियर्ड रीजन अंकल बालकनी में नहीं आते। ये हमारे लिए एक सेफ स्पॉट बनाया हुआ है गेम वालों ने। चलो आई गेस अंकल यहां से अब गायब हो चुके हैं। ओके, टीवी मेरे को वैसे भी इस तरफ देखना है। ओश, यहां से भी शोर होता, यहां से चलते हैं। टीवी में हमें देखना है सबसे पहले क्या है, आई गेस सबसे पहले फ्लावर, नहीं सबसे पहले फायर, फायर के बाद फ्लावर, फिर तो लास्ट वाला तीसरा ही है ना ऑब्वियसली। और ये मून जैसा है, फायर फ्लावर मून, गोड़ी देख के फ्लावर समझे गया, फायर है मैं। बहुत लेम था ये। ओके, ये आई गेस वो होगा, एक सेकंड यार, शोर तो होगा, ये लास्ट में होगा, तो ये फायर है यार, हाँ ये फायर हो गया, ये फ्लावर हो गया, और ये प्लैनेट हो गया, यही था ना? अरे नहीं, एक बेकार है, ये है फ्लावर। ओह ओके, और फिर ये क्या है, ये भी होगा ना, ये क्या है, मेरे को सीरियसली समझ नहीं आ रहा। अंकल आ जाएंगे तेरे में, तो पहले मेरे को सबके सब अंदर करने पड़ेंगे। ओके, ये तो प्लैनेट है, ये फायर है, फ्लावर ये रहा। ओके, फायर फ्लावर और प्लैनेट, ओके खुल चुका है। ये क्या मिला, ये क्या है, इसका क्या काम है? और अंकल अब तक आए कैसे नहीं, इतना शोर के बावजूद भी? अंकल जी क्या हो गया आपको, आप उदास उदास? अंकल जी के सोने का टाइम है, अंकल जी को हम लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक। ओ ओके, इस हिसाब से तो हम लोगों को अभी और इनके भी देखने हैं। ये क्या है, ये तो चलो मछली है, ये क्या है, ये बंदर तो नहीं है, ये सुअर लग रहा है मेरे को सच में सुअर लग रहा है, मजाक सट के, ठीक है। अभी कोई सा रूम है जो कि नहीं खुल पाया है? लाइक ये वाले तो रूम सारे हमारे खुल चुके हैं, और आई डोंट थिंक यहाँ पे मेरे को और कोई पता है इफ मैंने देखा हो तो। फिर यहाँ पे भालू हो चुका है, देखो चिचा बात ऐसी है, प्यार मोहब्बत से मुझे बच्चे को ले जाने दो। ये जो बच्चे को तुमने ऊपर बंद किया ना,
नहीं तो मैंने मार मूर देना तुम्हें। अरे शिट, अंकल मुझे मार मूर देंगे। मैंने कोई जगह छोड़ी है क्या यार? ये हट नहीं रहा है, ठीक है, मतलब ये वाली जगह तो होने से रही। नीचे कोई जगह, नीचे के मैंने साइक्सर मिशन कर लिया यार। एक सेकंड, हम लोगों को उसमें से क्या मिला था? हम लोगों ने नीचे की वोट लगाई थी ना, वॉच लगाई थी, उसके अंदर से हमें कुछ तो मिला था और उसका कुछ तो काम हुआ था। मेरे को ऑल दो याद नहीं आ रहा है कि क्या काम हुआ था। इधर से हम लोग चलते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को फिर से किसी और घर में जाना और वहाँ पर जाके हम लोगों को मिलेगा क्या कहते हैं सर वगैरह। वो एक सेकेंड, यहाँ पर भी चीज़ें हैं ना, पर इसमें कहीं भी सर नहीं है कुछ है। ये तो वो है जो यहाँ से बाहर झाँक सकते हैं। नोप नोप नोप। अरे यार किधर है बाकी दो सरों का? मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा सीरियसली। एक तो ये वाली जगह बची है। ओ मेरे पास रेंच है ना, मैं ये भी खोल सकता हूँ। अबे रेंच यूज हो गया क्या? कि मैंने फेक वेक दिया, क्या सीन है? रेंच यहाँ पे तो नहीं है अब मेरे पास। अब मेरे पास रेंच नहीं है। गलत टाइम पे बाहर निकला हूँ मैं, गलत टाइम पे बाहर निकला हूँ, बट फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से निकल सकता हूँ और मैं निकलूंगा क्योंकि मैं अंकल से डरता नहीं हूँ, ठीक है। फटती है मेरी, पर बोलने में क्या जाता है यार। कोई तो जगह रह रही होगी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जगह नहीं रह रही होगी। हम लोगों ने नीचे गैराज देख लिया, गैराज में वो था क्या कहते हैं, ओ ये खुलेगा क्या यहाँ से? प्लीज बोलो नहीं। गैराज में वो था, वहां पे कुछ तो निकला था। ओ हाँ, उसके आगे से इंजन में से एक और वो निकला था, गोल वाला, क्या कहते हैं उसको, मैं भूल चुका हूँ जो भी उसे कहते हैं, वो नट टाइप, नट तो नहीं है, जो भी एक मैकेनिज्म निकला था, ठीक है, वो निकला था। और नहीं यार नीचे और कुछ नहीं है। अंकल ताऊ तू तो बहुत बुरा यार, ये बंद कर दिया। ये रहा ताऊ, यहीं पे दिख रहा है। ओके हम लोग यहाँ पे एक और बार चलेंगे। मेरे को यार एक बार, शिट यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो गया यार। ये नहीं खुलेगा क्या? यहाँ पे भी कुछ डालना है, हैंडल लगेगा तब हमें अंदर एक और चीज मिलेगी। पीछे भी कुछ लगेगा क्या? ताऊ जैसे ही आएगा ना मैं इसके नीचे छुप जाऊंगा। ताऊ वहां पे नहीं पकड़ता है, आया तो सही बट वो सीधा चला गया। यार यहाँ का हैंडल हम लोग कहीं पे मिला नहीं ना, बट ऊपर वाले कमरे में और भी। ये क्या ग्लिच है? अच्छा वो खुला है ना इस से। खैर जो ऊपर वाला वो है रूम है, उसके अंदर और भी चीजें हो सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ओके इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। हम लोग एक बार चलते हैं, एक बार जाके। ओह शिट मैं फिर से वहां पे शोर करता। यहाँ पे नहीं कुछ भी नहीं लग रहा मेरे को। वो रेंच यार कहीं पे ऊपर ही छूट गया, मेरे को वाला रेंच वापस चाहिए। मुझे ये निकलने के लिए ना वो वाला रास्ता भी एक बार खोलना है, ठीक है। पर फिर भी एक बार हम लोग पहले ऊपर चलते हैं। आई मीन ऊपर तो मैं ही गया हूँ। रेंच यार यहीं कहीं पे गिरा होना चाहिए, इफ वो गिरा है तो, क्योंकि हम लोगों ने यहीं पे यूज किया था। यार रेंच हमसे पहले ही ले लिया, ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। और यहाँ पे ओ रेंच इसी के अंदर वापस आ गया जब अंकल ने हमें पकड़ा उसके बाद, ठीक है चलो ये चीज अच्छी है। इसको मैं अभी फिलहाल जरा इन्वेंटरी के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे यार और कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को, एक सिंगल चीज नहीं है। अंकल जी है कहाँ? अंकल ऊपर ही आए थे ना, उनका सोने का टाइम है क्या? नहीं यार यहाँ पे तो नहीं। अंकल अंकल ये आ रहे, मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ ना? हाँ मैं इसके अंदर अंदर नहीं ऊपर चढ़ के बैठूंगा। फिर से गलती से बाहर निकल गया, अंदर रह तू। अबे भाई 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 भाई, अरे यार अंकल को दिखा कैसे मैं? यहाँ पे भी ऊपर कुछ है क्या? ऊपर चढ़ने की एक हल्की जगह सी तो बना रखी थी। अंकल अंकल चढ़ा तो था, इतना तो मुझे पता, पर किधर गया? यहाँ पे क्या है? अच्छा ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये भी बेफालतू में लगाई हुई है, लगता है अंकल पे पैसा है, बेफालतू की वेस्टेज कर रहा है अंकल। अंकल इसके अंदर क्या होगा ना? हाँ हेलो अंकल। यार मेरे को भी पता नहीं है यार, और कुछ काम अगर यहाँ का है तो मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर। शिट पकड़ा गया यार। फिर से रेंच चला गया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक सेकेंड, रेंच, हाँ रेंच। रेंच क्यों ले रहे हैं ये लोग बार बार? बाकी तो और कुछ नहीं ले रहे हैं ये लोग। यहाँ से खुल, अंकल है तो नहीं? नहीं अंकल नहीं है। मैं फिर से ऊपर जाके रेंच लूंगा और ये फिर से बज गया। अच्छा रेंच यहाँ पे नहीं था, रेंच दूसरे वाले में था। मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार कि कसम से करना। अंदर 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 बाद में देखी जाएगी जो भी। ओ भाई अंकल ने देख लिया क्या? नहीं 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 देगा। ओके रेंच ले लिया। हेलो अंकल, इधर से जंप। ओ भाई मुझे लगा नहीं था मैं ये पुल कर पाऊंगा, पर ठीक है हो गया हो गया हो गया। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं जल्दी से, और अब की बार मैं जाके उसको खोल रहा हूँ। मेरे को ऑल दो इसकी इधर से तो खुलेगा भी नहीं यार, इधर से ऑल दो मतलब इसकी जरूरत नहीं है, पर मेरे को पता नहीं, फिर भी चुल है भाई, मैं तो खोलूंगा, ठीक है। अबे क्या उधर से खुलेगा क्या? नहीं हो रहा इधर से, ये रेंच से नहीं खुलेगा क्या, या फिर उधर से खुलेगा? मैंने ध्यान नहीं दिया। शिट 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 शिट, मैं पकड़ा गया। हम लोग फिर से पकड़े गए यार। मैं इस बार पहले इसी वाले रूम में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को चेक करना है इफ इसके अंदर कुछ है, और मेरे को पहले ये बंद कर देना चाहिए वरना वो अंकल आएगा और मेरी कसम से बैंड बजा जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को ये मिला है, इसका तो लाइक कुछ काम नहीं है, एक बार हो चुका है इसका काम। इधर से कुछ काम की चीज़ नहीं है, गाड़ी दिखा रखी है। हम लोगों की ना आएगी और भी चीज़ें मिलनी चालू हो जाएंगी, हम लोगों को बस वो चाहिए। मैंने अभी चालू हो जाएगी बोला क्या? चालू हो जाएंगी, हमें बस वो चाहिए लाइक वो जो कार का हैंडल है, बट वो मेरे को सीरियसली समझ नहीं आ रहा यार। हम लोगों ने कौन सी जगह ऐसी जो कि छोड़ दिया है?
क्योंकि जहां तक मुझे पता है हम लोगों ने सब कुछ चेक कर लिया है भाई। मैं तो यार इसके ऊपर यहां तक चढ़ के आ गया हूं और अटक गया हूं। ओके पर मेरे को मिल नहीं रहा यार कहीं पे भी। अंकल यहां पे सो रहा है क्या? अंकल यहां पे सो रहा है। हां सो तो रहा है। एक बार जरा जाके इसका कमरा भी चेक कर रहा हूं क्या मैं। अगर ये इधर से आएगा तो मैं उधर से भाग जाऊंगा। इधर से यही है, वजन है ऊपर से, वो तो ले लिया था। ओके अंकल जाग चुका है तो फिर मैं यहां से निकलूंगा। इधर इधर यार ये इसके ऊपर मैं फिर से चढ़ाना है। और लास्ट टाइम भाई इसने बहुत ज्यादा डराया था बे कसम से। भाई मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया था क्या? मेरे को सीरियसली बताओ, मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया था क्या? ये इसी में पड़ा हुआ था यार। अबे भाई मेरे को सीरियसली याद नहीं आ रहा है, मैंने सही में चेक नहीं किया था क्या? क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने डब्बों में देखा था। भाई साहब अंकल अंदर ही आए हैं ना मुझे ऐसा लगा। नहीं 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 यहाँ पे लगाओ, इसको खोलो। क्या अंदर क्या है ये? ओ ये खुल गया। यहाँ पे ये मिल चुका है, बोर हेड हम लोगों को मिल चुका है। अब हम भी नोस के बनेंगे। इधर से इधर शोर हो गया। अब वो पता नहीं वो लेफ्ट से आएगा कि राइट से, बट जहां से भी आए भाई मेरे को तो जाना है ऊपर। मेरे ख्याल से अंकल ऊपर ही है। इधर 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 ओके नाइस। भाई ये बहुत ज्यादा अच्छा जंप था। यहाँ पे हम लोग हैं। इधर आई गेस अंकल नहीं आएगा। अंकल बोल रहा अंकल एक बार तू ना सो, वो इस वाले रूम में से आया क्या? मेरे को बंद कर देना चाहिए भाई, अच्छा खासा छुपने के लिए रूम वो अच्छा है। ओके अंकल सोने के लिए जा चुके हैं, अब मैं इधर से जाऊंगा। इसके बाद रह जाएगा बस एक फिश हेड, जिसका कि मुझे सीरियसली अब कोई भी आइडिया नहीं है। ये तो चलो भाई एक चीज हो चुकी थी कि कार का हम लोगों को पता चला था कि वहां पे ठीक है एक चीज लगेगी, बट अब मुझे फिश हेड का सीरियसली कोई भी आइडिया नहीं हो पा रहा है कि उसको कहां से लूं। ऐसा तो नहीं उसको भी किसी और के घर पे जाके लेके आना है, क्योंकि फैसद और भाई बैंड बजने वाली है। क्योंकि मेरे को लगा था कि ये वाला एपिसोड इसका लास्ट होने वाला है, बट अगर एक सेकंड यार ये फिर से आ तो रहा है, मेरे को पता है इसमें से बस पानी गिरेगा। हाँ मैं बेफालतू में मैंने चला के देखा है, ये तो मुझे पता है। ओह ओके यार इनके पीछे है क्या, मुझे देखना है। एक उस वाले रूम में भी है। हाँ मेरे को लगा था कि इस वाले एपिसोड में हम लोग सब लोगों को हरा देंगे, सब लोगों को आई मीन सबको तो पहले हरा दिया है, अंकल को भी अभी हरा देंगे। बट इफ श्योर हो गया ना, बट ओ टाइमिंग, वो अंकल निकला और मैं यहाँ पे घुसूंगा या फिर अंकल नहीं निकला। अंकल नहीं निकला लेकिन आवाज से भी जस्ट दो गेट बंद है। और मैं एक बात को एक बार मेरे को खत्म कर लेने देता हूँ, मैं गेम ही थोड़ी देर के लिए एग्जिट करूंगा। हाँ सब लोगों को तो हम लोगों ने पहले हरा दिया है, मुझे लगा था अंकल को भी हम लोग इसी वाला एपिसोड में हरा देंगे, बट अगर नहीं हरा पाए तो भाई बैंड बज जानी है। एकदम ज्यादा उजाला सा फील नहीं हो रहा है? ओ इसके वजह से था। देखो मैंने एग्जिट तो सही टाइम पे किया क्योंकि मेरे पास एक कॉल भी आ गई थी अभी। यार फिश का क्या कोई चीज रह रही है क्या कहीं ना कहीं पे कुछ? यार ये हर जगह पे ये ऐसा मॉन्स्टर सा बनाया हुआ, क्या करना क्या चाह रहे हो अंकल? एक सेकेंड ये एक्टिक का एक दूसरा रूम है, पर मैं इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ ना। नहीं मैं इसके ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा। मैं अटक गया। ओके ओके भाई साहब तुम लोग देख रहे हो सीरियसली? भाई ये इतनी देर से यहाँ पे था और मैं बता भी नहीं सकता हूँ, मैंने लाइक पूरा ऑब्वियसली कट कर दिया होगा इतनी देर का, बट भाई मैं बहुत ज्यादा देर से इसको ढूंढ रहा था और फाइनली भाई ये मिल गया यार। इतने ओपन में रखा हुआ था सीरियसली और मेरे को सीरियसली पता ही नहीं चला कि यहाँ पे था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार। अब थोड़ा ज्यादा देख के चलना पड़ेगा। ये लगा दिया, हुआ क्या है पर इससे? अब इससे हुआ क्या है? एक सेकंड आई गेस कुछ ना कुछ तो होगा, मेरे को वहां पे जाके चेक करना पड़ेगा। एक बार जरा अंकल को यहाँ से मैं जाने देता हूँ, उसके बाद मेरे को एक बार चेक करना है कि आखिर हुआ क्या है यहाँ से। अंकल जी एक्टिक खुल गया, मुझे लगा था वहां के लिए भी कुछ चाबी होगी बट नहीं चाबी नहीं थी भाई, एक्टिक खुल चुका है। लेट्स गो, अब हमें बच्चा मिलेगा। मैं अगर मार सकता ना भाई मैं अंकल की कसम से फेंक के मारता क्रोबार जो बच्चों को किडनैप कर रहे ना यहां से। भाई मजे, बच्चा है क्या भाई ये? मेरे को एक सेकंड को ऐसा लगा कि रस्सी पे लटका पड़ा, भगवान कसम मेरे को ऐसा लगा। ओ की मिल चुकी है, यहाँ पे और भी कुछ सामान है क्या? मेरे को एक बार चेक करने दो, ये कुछ तो है। एक सेकंड मेरे पास सीजर होनी तो चाहिए। हाँ मेरे पास सीजर है, यहाँ से इसका अभी काम नहीं है। ठीक है सीजर का अब कुछ काम नहीं आएगा इस। ओके अभी हम लोग ये लेते हैं, चाबी है ये रही। भाई बच्चे को हमें जल्दी से निकाल के ले जाना पड़ेगा। इससे पहले अंकल स्टोरी टाइम, अब आराम से हम लोग स्टोरी देखेंगे। ये डर रहा है हमसे यार उस बंदे, वो इसके हाथ में देखो वो जो पीछे मूर्ति है उसके हाथ में वहां का हैंडल भी है यार। इस बच्चे को डरा के रखा यार, कितना मासूम सा बच्चा है यार। ऐसे क्यों कर रहे हो अंकल, इतना प्यारा सा तो बच्चा है भाई। ऐसा लग रहा है ये अलग ही दुनिया के लोगों को देख रहा है, बच्चा जानता ही नहीं कि क्या क्या है, ऐसा एक्ट कर रहा है। हमारे लग चुके हैं भाई अंकल। नहीं देखो देखो प्यार मोहब्बत से बातें हो सकती। वो अंकल में क्या दम है बे, एक हाथ से सीरियसली ऐसे करके उठा लिया। ओके ओ बच्चा भाग गया भाई। धीरे धीरे करके एक्टिक बंद हो रहा है क्या? मेरे को ऐसा लगा एक्टिक बंद हो रहा है, पर नहीं एक्टिक बंद नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा ना, नहीं नहीं बंद हो रहा भाई। पता है सीन क्या, हम लोग तो चलो कैसे न कैसे निकल जाएंगे, पर बच्चे को अपने साथ में निकालना ना वो एक बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम होती। तो मेरे को देखने दो पहले तो यहाँ पे क्या क्या सामान है। एक सेकंड मेरा सक्सर सामान ले लिया होगा। हाँ मेरा सक्सर सब। थ्री
थ्री ओके। अरे इसलिए हमें बच्चा वैसा लग रहा था भाई, क्या ऐसे क्यों कर रखा है ये टू। अच्छा वहां पे कलर्स भी है ना, एक सेकंड, फिर हमें एक सीजर चाहिए होगी और सीजर मेरे को यहाँ पे दिख रही है, उठा ले यार। ठीक है यहाँ से हम लोगों को पहले ये काटना है, ये उल्टा है, ये उल्टा है, मेरे को आई गेस मैं यहाँ से कर पाऊंगा इधर से। ओके हम लोगों को ऐसे देखना है, ग्रीन कौन सा था सबसे पहला, था ग्रीन नहीं, थ्री तो रेड था, तो हम लोगों को जाना है रेड को थ्री करना है। भाई ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है बे, एक सेकेंड, रेड कौन सा है, रेड है सेकेंड वाला, अभी थर्ड पे है, मैं मेरे को दो बार घुमाना है ठीक है, थर्ड पे है, एक दो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सही हो जाना चाहिए। ओके अरे एक सेकेंड, रेड तो थर्ड ही था ना, मैंने क्यों किया है, रेड तो थर्ड ही था ना, अरे हट यार मेरे को, एक तो ये वाली जगह बहुत ज्यादा छोटी है भाई, रेड थर्ड ही था, मैंने क्यों उसको हिलाया है, सही तो था, पांच हो गया था, तो छ सात आठ नौ जीरो एक दो तीन ये होना चाहिए। ओके रेड थर्ड ही है भाई, मैंने पता नहीं क्यों किया, ब्लू आई गेस टू था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे देखते हैं, हाँ ये ब्लू ही है ना यार, मेरे को डाउट सा हो रहा है, हाँ ब्लू है, ब्लू टू है, तो फिर हम लोगों को ब्लू को करना है, और लेकिन वो अभी है किस पे, नाइन पे है, तो फिर जीरो वन एंड टू, जीरो वन टू, सही है सही है सही है। अब है रुक यार, अटक कहाँ पे रहा है, टू हो चुका है, थ्री हो चुका है, नाइस, और जगहों का मेरे को दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखते हैं। ओके ग्रीन है सेवन, ठीक है ग्रीन सेवन लास्ट वाला है, जो कि है थर्ड पे, तीन पे, तो तीन के बाद फिर चार पाँच, रुको साथ में करते हैं, चार पाँच छ सात, ठीक है सात हो चुका है, अब हट सात हो चुका है, ओके नाइस, सात भी हमारा हो चुका है, और कौन सा रह रहा है, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक और ये ऑरेंज नहीं ब्राउन, पिंक और ब्राउन बचा है, पिंक फाइव है, पिंक फाइव दो पे है, तीन चार पाँच, और ब्राउन को तो भाई हम लोग रेंडमली कुछ भी कर ही सकते हैं, वो खुल ही जाएगा, यहाँ से करते, अभी तक नहीं खुला, कुछ रह गया क्या भाई, भाई मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है मैंने कोई तो गलत कर दिया है, रुको रेड है थ्री, एक सेकंड वो रेड था कि वो ब्राउन था, एक सेकंड आई गेस ये ब्राउन है, आई गेस ये ब्राउन है, मैं इसको ब्राउन में डाल के देखता हूँ, जीरो पे है, तो फिर जीरो के बाद फिर वन टू थ्री, और अब इसको रेंडम करके देखता हूँ रेड को, शायद मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो, हाँ वो ब्राउन था, वो रेड नहीं था, ठीक है हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ये हम लोगों ने यहाँ का सामान ऑलरेडी ले लिया है, एक सेकंड यहाँ पे जाने से जगह, ओ ये बंद हो गया, ये अभी तक तो नहीं बंद था, ये कब बंद हुआ पता भी नहीं चला भाई, ठीक है इसको यहाँ पे लगा के लेट्स गो, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ काम की चीज़ है, अब हम लोगों को ये वाली जगह मिली, मेरे को इसके ऊपर नहीं खड़ा होना चाहिए ना, हाँ यहाँ पे पहले मैं देखूंगा इफ हम लोगों को और चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, जो कि मेरे को मिल नहीं रही है, मतलब दिख नहीं रही है कोई भी नई चीज़, ओके यहाँ पे नहीं, और हम लोगों को यहाँ से नीचे चलना है, ओके यहाँ से निकलते हैं, और भाई ये क्या है, शिट 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 शिट, लेकिन अंकल अभी आ नहीं रहे भाई, अंकल ने जाल बिछा दिया भाई, इन लोगों ने फाइनल को थोड़ा ज्यादा हार्ड करने की कोशिश की है, यहाँ से नीचे आई गेस, ओ अंकल के पीछे रेंच लगा हुआ है, आई गेस हम लोगों को ये रेंच चाहिए होगा, मैं रेंच नहीं ले पाया, मैं रेंच नहीं ले पाया क्या, ओ रेंच मैंने ले लिया मेरे हाथ में, शीट मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन लग चुके हैं लग चुके हैं लग चुके हैं, पकड़ लिया अंकल ने, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़, अंकल ने देख के नहीं पकड़ा भाई, इतना बावला है अंकल, खैर वो तो बालकनी में भी नहीं पकड़ता है, ओके अंकल तू थोड़ा सा दूर जा, देख मैंने तेरी आज ना ऐसी की तैसी कर देनी है, बच्चे को छुड़ा के ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा, यहां से चलता हूं मैं, मेरे को ऑल दो अब ये नहीं पता, ओ बच्चा ये रहा, गेट बंद है गेट बंद है गेट बंद है, मुझे गेट का कुछ सीन देखना है, मुझे गेट का सीन देखना, शिट 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 शिट, ओ भाई इस बंदे ने ज्यादा ही जाल बिछा दिया है कि यहाँ पे भी है, आई गेस पता बेस्ट क्या रहेगा, जब अंकल पास में नहीं है तब इन सारे के सारे ट्रैप्स पे खुद ही पैर अगर मैं रख दूँ तो फिर वो बेस्ट रहेगा, ताकि ये मुझे बाद में ना रोक पाए, ठीक है जैसे कि ये अभी है, शिट अंकल यहीं पे थे, अंकल यहीं पे थे, अंकल यहीं पे थे, जल्दी 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 अंदर अंदर अंदर, सेफ 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 है हम, ठीक है इस तरफ का मैं सॉरी इस तरफ का मैंने ऑलरेडी हटा दिया था, जहां तक मुझे लग रहा है अंदर भी और होंगे तो फिर मैं वो भी देखूंगा, एक सेकंड हट रहे हैं ना, हाँ ये हट रहे हैं, ओके अंकल यहाँ पे नहीं है, मेरे को इधर चलना चाहिए, यहाँ पे किधर है, इधर ट्रैप दिख तो रहा है, ओके ये रहा एक, ठीक है, अरे शिट 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 अंकल आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं कहीं से तो आ रहे हैं, यहाँ से लेते अंदर चलते हैं, नाइस हम लोगों को चाबी चाहिए और हम लोगों को रेंच में, ओ रेंच का काम तो ये रहा भाई बगल में था, ओके और खुलेगा क्या, हाँ थोड़ा सा और खुलेगा, पर अच्छा और भी हैं और भी खोलने हैं, ओके अंकल लेकिन भाई अभी ये ना सोने नहीं जाने वाला, जहाँ तक मुझे मेरी आंखों में ऐसा क्यों देख रहे हो अंकल, अंकल प्यार है क्या आपको, देखो बात है अंकल मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पर मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, ठीक है ऐसा एकदम सीधी लकीर, तो प्लीज यार अंकल तो बड़ा देख रहा है यार, अंकल मुझे अनईजी कर रहे हैं, अबे जा क्यों नहीं रहे, इनको थोड़ा सा यहाँ से हटाना पड़ेगा, हेलो
हेलो भाई, ये बहुत ज्यादा बुरा है। अंकल अब रेस्ट करने के लिए भी नहीं जाने वाले हैं और हमारी बैंड बजने वाली है। और खुलेगा क्या ये? ओके वो अंकल जा रहे हैं। अंकल गया। जल्दी खुल। इसके अंदर आई गेस फायर एक्सटिंग्विशर डालना पड़ेगा, है ना? ये ऐसे मिल जाए? नहीं यार, अंकल आए भाई, पता भी नहीं चला मेरे को। उसको आई गेस किसी रस्सी है, उसको शायद से किसी तरीके से काटना है। एक सेकेंड, अच्छा मैं इधर ही हूँ। मुझे लगा कि मेरे को बंद कर दिया वापस पीछे ले जाके। यहाँ पे मेरा सामान है ना मेरे पास। एक सेकेंड भाई, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहा है। अब ये सामान भी छुपा रहे हैं। आई गेस मेरी सीजर यहीं पर वापस आ चुकी होगी। राइट भाई, इन लोगों ने सीरियसली इतना ये कर दिया कि अब हमारा सामान, पहले हमसे ये लेता नहीं था। ये जो मेन सामान थे ना, जैसे कि सीजर हो गया, क्रोबार हो गया, हमसे नहीं लिए जाते थे, पर अब लिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इधर चलेंगे। अंकल यहाँ कहाँ? ओ भाई हमारा वो भी बंद है। ओ एक सेकंड, हमें रेंच तो लेना ही पड़ेगा अंकल से, तो फिर हम लोगों को फिर से इधर ही जाना पड़ेगा। इधर से अंदर चल, अंकल से रेंच उठाना मेरे को। वापस रेंच हम लोगों को मिल चुका है। बट भाई पहले ये लोगों ने रेंच वगैरह ये सब कुछ नहीं लेते थे भाई, अब लेना चालू किया इन लोगों ने। मेरे को रेंच का तो काम समझ में आ गया, और एक बार मैं उसको सीजर से भी काट के देखूंगा। इधर चलते हैं, इधर का तो हमारा सेफ है। ठीक है, ऑल दो यार मेरे को आगे सब रेंच की जरूरत नहीं थी शायद, मेरे पास अब सीजर है, मेरे को एक बार सीजर से काट के देखना है। बट ओके ये रहा, ये रहा भाई इसकी, मैंने अभी नोटिस किया भाई इसकी स्पीड कितनी ज्यादा तेज हो गई। डूड भाई, अंकल तो कत्ल करने के मूड में है। अरे यार ये अंकल, तू ना थोड़ा सा दूर चला जा यार। ओके जा रहा है, ये जा रहा है। ऑल तो मेरे को लग रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ेगी, बट मैं फिर भी एक बार चेक करके देखना चाहता हूँ। ओ भाई अच्छा, मेरे को एक सेकंड को लगा इस बंदे ने उठा लिया, पर नहीं, हमें पहले आग बुझानी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगा फायर एक्सटिंग्विशर इनमें से किसी के अंदर होना चाहिए। इधर मेरे को नहीं, इनमें से किसी के अंदर नहीं है, मेरे को नहीं दिख रहा। ये भी बंद है क्या? ये बंद लग रहा है मुझे, ये वाला गेट भी बंद कर दिया होगा इन लोगों ने, खुलेगा नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। मेरे को यार चेक करना है, पर अंकल ना इधर ही घूम रहा है। हाँ ये बंद है, ये लॉक है, तो फिर आई गेस ये ना पीछे जाके होगा फायर एक्सटिंग्विशर। ओके 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 भागो। अरे ये रहा फायर एक्सटिंग्विशर, जल्दी 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 जल्दी, प्लीज 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 प्लीज। भाई अंकल कभी भी आ जाएगा और मुझसे मेरा सारा सामान फिर से छीन लिया जाएगा। उससे पहले इधर से गायब। अंकल कहाँ हैं? अंकल आई गेस अभी यहाँ पे नहीं है, मेरे को कहीं पे दिख तो नहीं रहे। जल्दी 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 भाई 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 भाई, ओ भाई मेरी फट रही है सीरियसली। यहाँ से लिया अंदर। अंकल है कहाँ? अंकल मेरे को ऑल तो दिख नहीं रहे यार, यार तब से तो पीछे पड़ा हुआ है अंकल, अब कहाँ है? ऑल दो ऐसा नहीं है कि मुझे फर्क पड़ता है। ओ ये आ गया, ये आ गया। ओ शिट, ये मेरे मुंह पे आ गया, मेरे मुंह पे आ गया, मेरे मुंह पे आ गया यार, वो मेरे मुंह पे आ गया था फायर एक्सटिंग्विशर। आई होप मुझे फिर से ना खोलना पड़े। मेरे को एक बार जाके ना सीजर फिर से ले लेने चाहिए, क्या पता भाई क्या काम आ जाए, है ना? यहाँ से एक बार उठाई लेते हैं। मेरे से सामान फिर से चला ही गया होगा, मैं पता नहीं चेक भी क्यों कर रहा हूँ, जब मुझे पता ऑलरेडी मुझसे ये लोगों ने सामान ले लिया होगा। यहाँ से लेके हम लोग वापस चलते हैं। एक सेकेंड यार, यहाँ पे ना हम लोगों को एक और चीज ढूंढनी चाहिए, इफ हमें गलती से भी मिल जाए। वहां पे देखा ना तुम लोगों ने, क्रोबार की जरूरत है, वहां पे क्रोबार से वो खुलेंगी, प्लैंक हटेंगी, तो फिर हम लोगों को बस एक क्रोबार और चाहिए, बाकी अपना पूरा पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पे क्रोबार बट आई डोंट थिंक है, क्योंकि मैं तब से इधर बार बार आ रहा हूँ। ये क्या है, डायनासोर है क्या? ओबे अंकल के पास जिंदा मरे हुए डायनासोर की हड्डी, जिंदा डायनासोर की हड्डी कैसे होगी? हड्डियां हैं अबे अंकल, क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं? मैं वो कह रहा था कि क्रोबार हम लोगों को ढूंढना है, क्योंकि हम लोगों को अब वहां से ना प्लैंक्स हटाने हैं। ठीक है, यहाँ से अब आई डोंट थिंक मेरे को कहीं पे भी जरूरत पड़ने वाली है उसकी, क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे तो नहीं है, नहीं रेंच की, इसलिए अब मैं रेंच के पीछे नहीं पड़ूंगा, अब मैं सीधा वो ढूंढूंगा। ये भी बंद है भाई, इसने सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए, सिर्फ एक उसको छोड़ के जिसमें से हम लोग अभी निकल के आए हैं। भाई अंकल है कहाँ? मेरे को अंकल दिख नहीं रहा है। अबे अंकल, अंकल कहीं से तो निकला है अंकल, बट ऑल दो ऊपर से कहीं से निकला है, वो नीचे है कहाँ? मुझे नहीं दिख रहा। ओ ये रहा, ये रूम से निकल के आ रहा है भाई, पीछे कुछ तो है, पीछे क्रोबार होगा। ओ नाइस, अब हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ताला ऑलरेडी खुल चुका और बच्चा भाई वहीं पे छुपा हुआ है भाई, वो डरा हुआ है। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अंकल जैसे आएगा मैं नीचे कूदूंगा। अंकल आया और मैं नीचे और बैठ गया। नाइस नाइस नाइस, ये बंद है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये यहाँ पे, यहाँ से, अबे भाई बंद हो। ठीक है, क्रोबार भाई मेरे को लग रहा कि और के, ये तो बंद है। शिट, अब क्रोबार कहाँ से ढूंढूं बे? अरे भाई मुंह क्या, सॉरी देखो सही है ना कि मैं कैची ले आया, इसके काम आ गई। भाई क्रोबार मुंह के सामने, और मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ कि मैं क्रोबार कहाँ से ढूंढूं, हद है। ओके ओह शिट, मेरे हाथ में क्रोबार नहीं है, मैं सोच रहा जल्दी जाके खोल दूं। हमारे लग गए। अंकल ने देख लिया, सही टाइमिंग, और हम अंदर। भाई साहब यार, क्रोबार सीधा सीधा मुंह के आगे, और गेम के स्टार्टिंग से उधर, और मैं पूछ रहा हूँ भाई क्रोबार किधर है, हद है मेरी भी। ओके यार, काश इसको भी तोड़ पाते, पर नहीं, हम लोग नहीं तोड़ सकते भाई। अगर मैं यहाँ पे वो नहीं लेके आया होता ना अभी ऊपर से कैची, तो हमारी बैंड बच जाती। यार ये अंकल अब यहाँ से हट नहीं रहा, अब उन्हें दिख चुका है कि मैंने क्रोबार उठा लिया है। अंकल 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 एक काम करो, मेरा पीछा करो अंकल मेरा, प्लीज अभी पीछा मत करना। थैंक यू अंकल,
यार ये मत बोलना अंकल ग्लिच कर गए, अंकल ग्लिच कर चुके हैं यार, अंकल ग्लिच कर गए, मुझे फिर से रीलोड करना पड़ेगा। नहीं नहीं अंकल ने कोई ग्लिच नहीं किया, अंकल ने कोई ग्लिच नहीं किया, आई मीन ग्लिच किया था, सीरियसली किया था, बट वो थोड़ी सी देर के लिए था बस। अरे यार और मेरे को फिर से वो लेना पड़ेगा, यहाँ से सीजर को लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को फिर से वो तोड़ के निकालना पड़ेगा क्रोबार। यार ये झंझट है यार, मैंने क्यों चेक किया, अंकल वहाँ पे खड़ा है तो खड़े रहने देना, तेरे को क्या करना है अंकल से, तू लुगाई अंकल की, भगवान कसम अगर अंकल की लुगाई होता मैं पीटता तो बहुत अंकल को। मैं कहा भाई ऐसा पति ना चाहिए कति, अरे रे लग गए मेरे थोड़ी अंकल के, ये भी लूंगा मैं, इसकी जरूरत नहीं है। पर अंकल ने जितना परेशान किया ना, मैं इसके पास कुछ भी ना छोड़ रहा। और तो भाई जितना बड़ा घर है, अंकल ने बच्चों को किडनैप कर करके पैसा तो बहुत कमाया है, और मेरे को खैर हाथ में कुछ भी रख लूँ मेरे को वो तोड़ना ही है, और तो कुछ काम है नहीं। लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए, अंकल को शक हो गया फिर से, इस अंकल फिर से आ गया। मेरे को थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, थोड़ा पेशेंस के साथ चलूंगा, पर मुझे ये समझ नहीं आता भाई मैं इनके पीछे से रेंच उठा रहा हूँ, इनको पता नहीं चल रहा कोई। यार ये कुछ तो हुआ है अंकल, अब जा नहीं रहे, अंकल जा नहीं रहे थे तो फिर मेरे को ना एक बार मरना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर से अंकल नहीं जा रहे थे। मैंने बोला ना, मैंने ये वाला लास्ट एपिसोड में मैंने ये वाली बात बोली कि गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है मजाक से हट के, बट इसके ना ग्लिचेस बहुत ज़्यादा है, इसमें बग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके क्रिएटर्स को डेवलपर्स को एक नया अपडेट लाना चाहिए जिसमें कि ये वाले बग्स सॉल्व हो जाएं। बाकी भाई गेम आई स्वेयर कोई कमी नहीं है, गेम बहुत ज़्यादा प्यारा है। यहाँ से अंकल बोल रहे मेरे को जल्दी से जाना है, इधर से लेके इसी में फेंक के मारूंगा। अबे उठा ना भाई, भाई उठा नहीं रहा, उठा लिया उठा लिया उठा लिया, यहाँ से अंदर चलते हैं हम लोग। भाई उठा ही नहीं रहा था, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अंकल किस तरफ है, इस तरफ है क्या अंकल? अंकल है नहीं, अंकल अंकल है गए, अंकल है गए, प्लीज। ओह हल्का सा, भगवान कसम बहुत हल्का सा। यहाँ से मेरे को क्या लग रहा है ना, प्लैंक एक प्लैंक दो बारी में खुलेगा, जैसे हंटर वाले घर में हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी से भाग के नहीं कर रहा हूँ, वरना तो भाई मैं कर देता, कब का कर देता वरना मैं। अंकल ये रहे, अभी अभी नहीं, अभी पंगे नहीं, अभी फिलहाल अंकल को, अभी अंकल को जाने देते हैं। जा रहे अंकल, अंकल गए, अंकल गए। यहाँ से अगर एक प्लैंक भी खुल जाता है तो भी चलेगा। ओ भाई खुल गया, फाइनली क्लियर। आजा 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 भाई, बच्चा हम लोगों ने छुड़ा लिया भाई फाइनली। यार भाग जाएंगे ना अब तो हम, ये क्या हो रहा है? ओ भाई अंकल के ऊपर गिर गया, बढ़िया बढ़िया। ये क्या हो रहा है, ये बच्चा इमोशनल क्यों हो रहा है भाई? इमोशनल हो रहा है क्या, इसके पापा है क्या भाई? इसके भाई मैंने इतनी मुश्किल से बचाया, सीरियसली तू वापस छुड़ाने चला गया डूड? भाई ये बाप बेटे हैं आई गेस, अपने बेटे को ऐसे बंद किया हुआ था। ओ भाई किसी ने मारा, किसने मारा? अबे यार ये सब इस बच्चे की वजह से हुआ है भाई। अच्छा खासा, एक तो तू तब से फिर रो क्यों रहा था, हमने छुड़ाया भाई, ये इसे निकाल भी रहा है भाई, हमें मारा, हम पे भी तो ध्यान दे ले थोड़ा सा। ये क्या एंडिंग थी, मेरे को सीरियसली समझ नहीं आया भाई क्या था। हम लोगों को लाइक हम लोगों ने इसको इतना मुश्किल से ऐसा छुड़ाया बचाया इसको, ठीक है हम लोगों ने निकाला कैसे ना कैसे करके, बाद में पता चलता है वो बच्चा उसकी इतना परवाह करता है। यार ये तो बड़ा बुरा सीन है, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ बिल्कुल। यू डिड इट भाई, हाँ आई डिड इट। गेम है क्या, एक सेकंड और बचा हुआ है मेरे को ऐसा लग रहा है। डूड मैं अपने घर पे उठाऊं, एक सेकंड। ओह लेकिन अब ये बंद हो चुका है, मतलब ये अब और कुछ काम नहीं बचा है, मैं बस इस वाले वर्ल्ड में ऐसे घूम ही सकता हूँ, और कुछ नहीं है। एक सेकंड, मेरे घर के इधर सीढ़ियाँ हैं क्या, मेरे को ऐसी दिखी? मैंने अभी तक अपना वैसे घर भी एक्सप्लोर नहीं किया देखा जाए तो। बट यार हम लोगों ने इतना मुश्किल से भाई सीरियसली उसको बचाया, एंड इन दी एंड वो उस बंदे के पास चला गया। भाई पहले ही बता देता पापा है, हम छुड़ाते ही नहीं ना, इतना मेहनत क्यों करवाई हमसे फिर। यार हद है। ओह ये क्या रूम है भाई, तो कुछ तो अच्छा सा रूम लग रहा है, रेडियो पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये कौन से जमाने का। अभी एक बच्ची भी गायब है, बच्चे को तो हम लोगों ने छुड़ाया जो कि एंड में उसी के साथ निकला, बच्ची भी है अभी तो। आई गेस अगले पार्ट में ये लोग हमें बोलेंगे कि जाके बच्ची को छुड़ा, चल और कुछ काम धंधा नहीं है तेरा। ओके यहाँ पे ये बंद पड़ा हुआ है, मेरे को और ऊपर जाना है, ऊपर और भी जगह देर। ओ शिट अभी फिलहाल मैं करता दे रखी है, मेरे को एक बार जाना है, मैं बिल्कुल टॉप तक जाऊँगा जहाँ तक ये लोग मेरे को ले जा सकते हैं, वहां से मैं इसकी ब्यूटी को निहारूंगा, ठीक है। ओ भाई साहब हर तरफ कैमरे लगा रखे हैं इस बंदे ने, ये टॉप है, ये टॉप है, बट यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं, तो फिर आई गेस मैं इस तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा इधर से। हाँ ओके भाई अब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोगों ने इस साले घर से शुरू किया, ठीक है, फिर हम लोग बेकरी पे गए, बेकरी दिख रही है ये रही, हम लोग बेकरी पे गए, फिर हम लोग हंटर के घर पे गए हैं, हंटर के घर से हम लोग इस वाले घर पे आए हैं, और एंड में ये वाला म्यूजियम। और भाई पीछे देख रहे हो, ये तो फिर भी छोटा सा गांव टाइप है, वो पीछे पूरा वो है शहर है।
तो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मेरे को एंडिंग अभी तक समझ नहीं आई, ये उसका बच्चा है कि क्या है, वो क्यों उसकी इतना परवाह करता है. आई गेस बच्चा ही होगा, क्योंकि याद है एक मेमोरी दिखाई थी जिसमें कि वो दोनों बड़े प्यार से फोटो भी ले रहे थे. तो पता नहीं भाई, जो भी सीन है, आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी. एंड अगर आप लोगों को इसका कंप्लीट वॉक थ्रू देखना है जिसमें कि मैं पूरा पूरा गेम एक शॉट में कंप्लीट करूं सिर्फ एक वीडियो में, तो कमेंट करो, पक्का करेंगे. एंड मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में जो कि आएगी कल 2 बजे, रोज 2 बजे आती है. तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को. तो टाटा बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा, लव यू ऑल, बाय.